इटली नौ सैनिकों के मामले में एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से यह निर्देश दिया है कि स्पेशल कोर्ट सेटअप किया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी संजय। श्वेता, आज कोर्ट काफी इस मामले में लेनियंट दिखा, जैसे ही सरकार ने यह बताया कि इटली ने उन आरोपी मरीज को वापस भेज दिया है भारत, तो कोर्ट ने फिर ये कहा कि ये काम आपको पहले करना चाहिए था। ये उस समय जब ये लोग जा रहे थे उस समय सरकार ने क्यों नहीं तय किया कि स्पेशल कोर्ट सेटअप किया जाए, फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाए ताकि इनका मामला जल्दी से निपटा के और इंसाफ किया जा सके। कोर्ट ने ये कहा कि 16 अप्रैल को अगली सुनवाई है, लेकिन उसके पहले सरकार को ये सारी चीजें अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी कि वो स्पेशल कोर्ट कहाँ सेटअप कर रहा है, कौन जज होंगे, तमाम बारीकियां और जानकारियां वो कोर्ट को देनी होगी और कब तक मामला निपट जाएगा, कितने कब तक हेयरिंग चलेगी, वो सारी चीजें बताने को कहा है। और कोर्ट ने इटली के राजदूत डेनियल मैंचिनी, उनके जो विदेश जाने पर रोक लगाई थी या कहीं भी भारत छोड़कर जाने पर रोक लगाई थी, वो रोक वापस ले ली है। उनका कहना है कि जब दोनों आरोपी आ गए हैं तो अब स्पेशल कोर्ट का काम है कि उनके उनके साथ इंसाफ करना और उनको सजा देना और पूरे मामले की सुनवाई करना। लिहाजा अब इस मामले में माना जाए कि इटली के राजदूत को थोड़ी राहत मिली है और सरकार को यह कहा गया है कि वो हफ्ते में बताए कि वो करना क्या चाहती है। बहुत शुक्रिया।